मैं डॉक्टर नितुल पारिक, मेडिकल डायरेक्टर परिक मेटर्निटी हॉस्पिटल। ओके, अबाउट 23-24 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल रिटायर हो गए हैं। हमारा परिक मेटर्निटी हॉस्पिटल बोरीवली में सबसे पुराना मेटर्निटी हॉस्पिटल है। लगभग आज ये 2023 50वां साल है हमारा हॉस्पिटल का। 50 ईयर्स से मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी एडमिन देखती है, मेरी वाइफ भी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, तो हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो भी है खासियत हमारे हॉस्पिटल की, वैसी है कि हम लोग रीजनेबल कॉस्ट में बेस्ट केयर देना चाहते हैं। पेशेंट्स अफोर्डिंग है नहीं है, हम लोग वो सब चीज़ नहीं देखते, लेकिन जितना हो सके हम लोग के तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट केयर दे सकते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़। पेशेंट्स के जो थैंक यू उनके चेहरे पे, उनके बच्चों को देख के जो स्माइल आता है, दैट इज़ आवर बेस्ट रिवॉर्ड, और उसके लिए हम लोग जनरली काम करते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभी मैंने आपके बारे में थोड़ा सा इनसे पूछा था, तो लाइक कि सर बहुत हेल्प करते हैं अपने पेशेंट्स की, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो सर खुद से दे देते हैं और कहते हैं पहले इलाज करा लीजिए और उसके बाद आप मुझे वापस कर दीजिएगा, तो क्या ये सच है? आप इतने सपोर्टिव हैं? हम लोग करते तो हैं, डेफिनेटली सब लोग करते हैं, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है। जितना हो सकता है करेंगे, और वही एक मैजिक ऑफ गिविंग जो बोलते हैं ना, कि जितना देते हैं उतना ही कोई ना कोई भगवान आपको अपना दुगना दे देता है। तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं कि भगवान अपने को दुगना दे, लेकिन वो करने से काफ़ी जन को फर्क पड़ा है, हमारा हॉस्पिटल का भी ग्रोथ हुआ है, पेशेंट्स भी खुश होकर जाते हैं, और जो ग्रैटिट्यूड से हमारा जो गुडविल बना है, वही दैट इज़ आवर बेस्ट थिंग। करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। कोई कोई जन अभी कोई अगर डिलीवरी की पेशेंट है तो उनके घर उनको डिलीवरी करना है, लेकिन उनका ये नहीं है कि प्राइवेट में जाके नॉर्मल डिलीवरी करें, तो जैसे वो लोग EMI देते हैं, हर महीने के 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं। मैं किधर लिखता भी नहीं हूँ कि किसका कितना पैसा बाकी है, वो लोग को देना है, मुझे तो खाली लेना है। वो लोग देते, सर मेरा हो गया, 1000 रुपीज़ ये महीने का कट कर लो, 1000 रुपीज़ कट कर लो, बोला आपका ख़त्म हो जाएगा, तो बोला कि मेरा हो गया है सब लेके। दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड 99.9% जो भी पेशेंट्स है, सब जन देख के जाते हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हेल्प करते हैं डेफिनेटली। और अभी तो काफ़ी सारे पेशेंट्स भी हेल्प करना चाहते हैं, कि अगर उनको भी कोई फर्स्ट क्लास के पेशेंट्स हैं कि नहीं आपका चार्जेस इतना रीजनेबल है, तो ऐसे कुछ हुए तो हम लोग डायरेक्टली उनको हेल्प करें, तो वो भी चेक्स दे देते हैं, कैश दे देते हैं, तो वो भी पॉसिबल होता है। आप लेडीज़ का इलाज करते हैं, लेकिन एक गायनिक हॉस्पिटल है मटर्निटी, तो वो लेडीज़ पेशेंट आपके साथ कितनी कंफर्टेबल होती है, और आपको, आप कितने कंफर्टेबल होते हैं? कभी आपको ऐसा लगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल? बचपन से डैडी को भी देखा हूँ, और सीखा मैंने यही है, पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी वो लोग इधर ही आते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 20-21 साल हो गए, अभी लास्ट एक साल से तो कोई वेडिंग कार्ड भी देने को आता है कि अभी मेरे लड़के का शादी है, आपने डिलीवरी करवाया था उसका। सो एक रिलेशन बन जाता है, ब्रदर सिस्टर जैसा रिलेशन हो जाता है। इनफैक्ट आप लोग देखे होंगे, ये लोग जो मेरे को एड्रेस करते हैं डॉक्टर या सर बोल के एड्रेस नहीं करते, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स भी मेरे को ब्रदर से एड्रेस करते हैं, तो भाई जैसे सम्मानित करते हैं, तो दैट इज़ हाउ आई लाइक इट। रिलेशनशिप एकदम यूनिक हो जाता है, और उसमें पेशेंट को इतना क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं यहाँ से ही मैं ठीक हो जाऊँगी, तो उसका जो ट्रीटमेंट से जो फ़र्क पड़ना चाहिए पेशेंट्स को, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करता है? जब भी मैं यहाँ हूँ तभी खाली प्रोफेशनल लाइफ, जब भी मैं घर पे हूँ खाली पर्सनल लाइफ। घर पे मेरी वाइफ है, डैडी मम्मी है, बेटी है एक 15 साल की, उसको मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो इधर ख़त्म करके जाता हूँ, तो मैं को उसको मैं कोई ट्यूशन्स वगैरह में हम लोग मैंने नहीं रखा है, वो 10th स्टैंडर्ड में, इनफैक्ट मैं उसको पढ़ाता हूँ अभी फ़िलहाल। तो आप लास्ट क्वेश्चन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं डॉक्टरी में, उनको बीइंग अ डॉक्टर? आपको लोगों की सेवा करनी है तो आप ये प्रोफेशन में आएंगे, पैसा कमाना है तो बिल्कुल, इसके सिवाय बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन से जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल सकता है, इस प्रोफेशन में मत आइए।
only if you want to serve people in a good way, this is the best profession. That is what it is. Thank you.